नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आऊं। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने कहा, जनजातीय समुदायों ने अपनी कला, शिल्प और कड़ी मेहनत से राष्ट्र को किया है समृद्ध। प्रधानमंत्री ने कहा, अमृत काल के पांच पंथ की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा भारत। ईटानगर स्थित राजभवन में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया विशेष कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा ने ट्राइबल दिव्यांग खिलाड़ी को किया सम्मानित। भारत की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले भगवान बिरसा मुंडा सहित सभी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की मौजूदगी में नमसाई जिले के लिकांग में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री ने कहा, अन्याय, शोषण और उपनिवेशवादी राज की क्रूरता के खिलाफ लड़ने की भगवान बिरसा मुंडा की भावना आने वाले कई सदियों को करती रहेगी प्रेरित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदायों ने अपनी कला, शिल्प और कड़ी मेहनत से राष्ट्र को समृद्ध किया है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों को नमन करते हुए उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आदिवासी समुदायों ने स्वतंत्रता संग्राम में महान योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और करोड़ों आदिवासी शूरवीरों के सपनों को साकार करने के लिए देश अमृत काल के पांच प्रण की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। इन पांच प्रणों में विकसित भारत का लक्ष्य औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, नागरिकों में एकता और कर्तव्य परायणता की भावना शामिल है। आज पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मना रहा है। मैं देश के महान सपूत, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को आदरपूर्वक नमन करता हूं। 15 नवंबर की यह तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का एक विशेष दिन है। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक थे, इतना ही नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। आज आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। ईटानगर स्थित राजभवन में आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा ने ट्राइबल दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने इस मौके पर भारत की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले भगवान बिरसा मुंडा सहित सभी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले चुके ट्राइबल वीरों की कहानियों को जनता के सामने लाए ताकि उनसे हमारी नई पीढ़ी प्रेरणा ले सके। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने जिन ट्राइबल दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित किया उनमें गोलो जॉन, बिकिता कार, टिची सोनू, तार राधे और अनंग बगांग शामिल है। इन खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अरुणाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। भाई और बहन और जिनको पुरस्कार मिला है ये भी हमारे ट्राइबल ही लोग हैं
और देखो कितना बहादुरी से कितना अच्छा काम करके जो भी भगवान ने इनको दिक्कतें दी उसके आगे उठ के ये अभी मेडल विन करने के कैटेगरी में आ गए हैं। भाइयों बहनों, ये जो जनजातीय गौरव दिवस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दिन है। इसमें तीन बातें शामिल हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी और इसी लड़ाई की वजह से हमको स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता क्या होती है सिर्फ वही लोग जानेंगे जो कि स्वतंत्रता के पहले का अरसा देख चुके हैं। तो पहली तो इम्पोर्टेंट बात यह है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस लड़ाई में तमाम लोग शामिल थे और जो हमारी जनजातियां हैं इनके लोग दूर दूर थे, उनको उतना एडवांटेज नहीं था कि वो लाइम लाइट में रहे, लेकिन उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया और भारत को स्वतंत्र बनाने में उन्होंने योगदान दिया। और तीसरी बड़ी बात यह है, बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आदमी ऐसे डिसएडवांटेज में रहे कि उसको शिक्षा भी नहीं मिली है, मेन सिटी में भी नहीं रहता है, जंगल के पास रहता है, बस्तियों में रहता है, और वो आगे आता है और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, तो उसको याद करना बहुत जरूरी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की मौजूदगी में नामसाई जिले के लेकांग में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्याय, शोषण और उपनिवेशवादी राज की क्रूरताओं के खिलाफ लड़ने की भगवान बिरसा मुंडा की भावना आने वाले कई सदियों को प्रेरित करती रहेगी। इस मौके पर लोकसभा सांसद तपिर गांव, विधायक गुमतायंग, चाओ जिग्नू नामचुम, कारिकोक्री मुचुमीथी, दसांगलू पुल, सोमलुंग मोसांग, चाकत आबो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। वर्ल्ड एनिवर्सरी वीर भगवान बिरसा मुंडा का हम लोग यहाँ पे जयंती दिवस के रूप में हम लोग यहाँ मना रहे हैं और हमारे लिए ये बहुत ही एक यूनिक एक ओकेजन है। वैसे तो मैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट में बहुत बार यहाँ आ चुका हूँ, पूरे अरुणाचल के जितने डिस्ट्रिक्ट है कोना कोना में घूम चुका हूँ, मगर आज यहाँ मैं आराम से बैठकर यहाँ लेकांग में जो हमारा यहाँ पे करीबन 8-10 जो ट्राइब्स जो यहाँ पे बसे हुए हैं आप लोगों को करीब से देखने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला और इतना अच्छा जो आपका अपना संस्कृति जो कार्यक्रम है, कल्चर है, उसको प्रैक्टिकली फिजिकली देखने का मुझे मौका मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग ने इतने अच्छे अवसर पर हमको याद किया है। भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज ईटानगर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में जनजातीय उत्थान के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आकाश कुमार, ये भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत ये बहुत पहले से है। 1972 के बाद में बिफोर 1972 हमारा अरुणाचल प्रदेश हम असमिस मीडियम से पढ़ा करते, आफ्टर दैट इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम हम लोग उसमें चेंज किए 1972 में। तो उसी दिन से आप नॉट एस जर्मन एस बिहार बिहारी मतलब बिहार के टीचर हिंदी स्पीकिंग वहाँ से हम लोग जर्कन से बहुत सारे टीचर्स थे यहाँ अरुणाचल प्रदेश का। जो आपने अभी बताया है जो हाउ अरुणाचल प्रदेश वॉज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन एजुकेशन सेक्टर, जर्कन से बहुत कंट्रीब्यूशन है। रियली आई कांग्रेचुलेट थैंक्स द पीपल ऑफ जर्कन ऑल्सो। तो उसी कारण से मैं अरुणाचल प्रदेश लैंग एंड ब्रेथ में
Whenever you go to any places, any nook corner of this state of Arunachal Pradesh, हमारे लोग आपको हिंदी जैसे भी हिंदी बोल पाएगा, आप कहीं भी तकलीफ नहीं होगा, आप कहीं भी जाने से भूखा नहीं मरेगा, पानी दे दो, खाना दे दो, वो समझ भी आएगा हमारे बूढ़ा बुद्धि लोग में, ऐसा है, क्योंकि वो आप सबका कंट्रीब्यूशन है। अदरवाइज तो हमारे लिए ये पुण्य हो गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छा ये हो गया, क्योंकि इसी कारण से अरुणाचल प्रदेश में वो हैव मोर देन 100 डिफरेंट टाइप ऑफ डायलैक्ट्स वो आर स्पीकिंग। Every 13 kilometers, dialects will be changed. आप नहीं भी जाते। फिर भी हम अरुणाचल हैं, मैं लेकिन वो है to speak, to communicate with each others. Every community you have to speak in either English or Hindi. तो इसीलिए हिंदी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। National Disaster Management Authority (NDMA) फिर से सुने हैं। NDMA अरुणाचल प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से आगामी 17 नवंबर को ईटानगर सहित राज्य के अन्य जिलों में भूकंप की तैयारियों को लेकर एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन करेगा। NDMA के सीनियर कंसल्टेंट रिटायर्ड मेजर जनरल सुधीर बहल ने इस बाबत आज हुए टेबल टॉप एक्सरसाइज की जानकारी देते हुए कहा कि इसमें राज्य की आपदा प्रबंधन तैयारियों के बारे में चर्चा हुई। 2022 So let me start by saying that this exercise is actually a multi-state mega mock exercise in which the states of Assam, Nagaland and Arunachal Pradesh are participating, and this exercise is being conducted simultaneously across all these three states. So after the coordinating conference, today was the first leg, that is the tabletop exercise, which started at 10 o'clock and we've just finished, in which we reviewed the disaster management plans of the state, a given district and some of the departments, and thereafter we've trained the responders of to disasters at the state level in the incident. मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित ईटानगर दौरे की तैयारियों की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री 19 नवंबर को होलोंगी में बने दोन्यू पोलो एयरपोर्ट सहित कई अन्य बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को भाजपा विधायक दल की भी बैठक हुई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर दिवंगत विधायक जाम्बे ताशी की याद में 2 मिनट का मौन रख कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोन्यू पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के तहत आज दोन्यू पोलो एयरपोर्ट पर विशाल IL-76 विमान गजराज उतरा। यह एक 4 इंजन वाला बहुउद्देशीय टर्बोफेन स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अरुणाचल प्रदेश में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल सकारात्मक बदलाव ला रही है। ईस्ट कामेंग जिले में सफल प्रयोग के बाद सोमवार को लोअर दिबांग वैली जिले में भी ड्रोन के जरिए सुदूर इलाके में दवा पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। लोअर दिबांग वैली के पारबुक सर्कल में कांगकोंग से पगलाम सर्कल के पगलाम गांव तक प्रयोग के तौर पर मवेशियों के लिए वैक्सीन पहुंचाई गई। इस अवसर पर वेटनरी मंत्री तागे ताकी, विधायक गुम तायंग, मुचुमीधी एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। लोंगडिंग जिले की पुलिस ने शहर की एक कॉलोनी से 400 ग्राम संदिग्ध हेरोइन और 4 लाख रुपए से अधिक की नकद राशि बरामद करने में सफलता पाई है। इस मामले में पुलिस एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिस पर हेरोइन की बिक्री में शामिल होने का आरोप है। पुलिस जांच में पता चला है कि ड्रग पैडलर ने म्यांमार से अपने सूत्रों से हेरोइन खरीदी थी। मामले में जाँच जारी है। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन सहित राज्य के कई नेताओं ने अका रूसो जनजाति के लोगों को नेत्री दाव फेस्टिवल की शुभकामनाएं दी है। सभी नेताओं ने इस अवसर पर शांति, स्वस्थ, सफलता और समृद्धि की कामना की है।
मिजोरम के हंथियाल जिले में सोमवार को पत्थर की खदान में भारी भूस्खलन होने पर लापता हुए 12 लोगों में से 8 के शव बरामद किए गए हैं। जिला उपायुक्त आर लाल रमसंगा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सभी लापता लोगों का पता लगाने तक तलाशी अभियान जारी रहेगी। पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF, असम राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल स्थानीय लोगों के साथ तलाशी अभियान चला रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने कहा कि भूस्खलन के समय 13 लोग काम कर रहे थे। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट ईस्ट से विधायक कालुंग मोयोंग ने सोमवार को पासीघाट के बागन बर्तिन जनरल अस्पताल में 3 दिवसीय फ्री ENT सर्जरी कैंप का उद्घाटन किया। इस कैंप का आयोजन बागन बर्तिन जनरल अस्पताल और विवेकानंद केंद्र अरुण ज्योति द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस कैंप में जाने माने ENT सर्जन और अन्य मेडिकल विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं और इस कामिंग एवं पड़ोस के जिलों के जरूरतमंद मरीजों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एक्सपीरियंस डॉक्टर आया और काफी हमारा पब्लिक एक्सपेक्टेशन भी होगा एंड वेरी सून बाकिन पट्टी जनरल हॉस्पिटल विल हैव ए स्पेशल केयर यूनिट। दिस हैज बीन सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड उसका काम जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन जनरल हॉस्पिटल बाकिन पट्टी को फुल्ली इक्विप्ड माने विद लाइफ सपोर्ट टू एम्बुलेंस भी दिया गया। अभी ये जिम्मेवारी हमारा बकरीन पट्टी जनरल हॉस्पिटल जॉइंट डायरेक्टर हाथ में सौंपा गया। इट्स अप टू यू, इसको आप हैंडलिंग अच्छा से करिए। एंड अभी हम लोग एक और स्पाइरल स्कैनिंग वाला जो सिटी स्कैन उसका भी एक प्रपोजल दिया है, जिससे लास्ट टाइम वो काफ़ी डैमेज भी हो गया था जस्ट फ्रॉम आवर साइड। लेकिन हमारा तो ये रिक्वेस्ट है कि आपका मेडिकल का तरफ से भी, हेल्थ डिपार्टमेंट का तरफ से भी आप जारी रखना। पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि पासीघाट सिटीजन हमारा जो बाहर से डॉक्टर है उसका फुल बेनिफिट लेगा। अपर सुबनसिरी जिले के नाचो सर्कल के लोग कोचेन नाला को रुंगबा से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने रोड के ब्लॉक होने से पिछले कुछ समय से समस्या का समाधान कर रहे हैं। फिर से सुने, समस्या का सामना कर रहे हैं। सड़क संपर्क न होने के कारण प्रभावित क्यामदो गांव के लोगों ने संबंधित विभाग से रोड कनेक्टिविटी बहाल करने का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तो ये प्रोजेक्ट का नाम PMJSY कुजिन नाला तो रोंगबा है। तो प्रोजेक्ट का ये शुरू वक्त यहाँ से होता है, तो यहाँ से विद्यार्थी विरोध शुरू होता है। विद्यार्थी विरोध शुरू होकर नाचो जाता है, यहाँ से दापुरीजो का रोड है विद्यार्थी विरोध है। तो प्रोजेक्ट विद्यार्थी विरोध से कनेक्ट करके रोंगबा तक कनेक्ट करता है। तो प्रोजेक्ट का नाम कुजिन नाला टू रोंगबा PMJSY, पैकेजिंग नंबर 059 है पैकेजिंग नंबर। तो ये प्रोजेक्ट का कमेंसमेंट 2018 को हुआ था 12 जुलाई। विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने आज राज्य विधानसभा परिसर में शी योमी जिले के एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस अपर सुबनसिरी जिले की निंगते मूरी मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड द्वारा डोनेट की गई है। इस अवसर पर श्री सोना ने शी योमी के लोगों की तरफ से एम्बुलेंस डोनेट करने वाली संस्था के प्रति आभार प्रकट किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा। नमस्कार।